बहुचर्चित तीन विधानसभाओं को जोड़ने वाली प्याली हार्डवेयर रोड के निर्माण की मांग को लेकर जो अनशन चल रहा था उसे हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर समाप्त करवा दिया। बता दें कि प्याली हार्डवेयर रोड की खस्ता हालत को लेकर पिछले कई दिनों से बाबा राम केवल और उसके सहयोगी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अनशनकारियों का अनशन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर समाप्त करवाया। वहीं उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 25 तारीख से इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिस पर 6,70,00,000 की लागत आएगी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि यह नजारा फरीदाबाद के प्याली हार्डवेयर रोड का है, जहां पिछले कई दिनों से अनशनकारी बाबा राम केवल और उसके सहयोगी इस सड़क निर्माण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। गौरतलब है कि यह सड़क तीन विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने के अलावा गुरुग्राम को जोड़ने वाली रोड को भी जोड़ती है, लेकिन लंबे समय से सड़क की खस्ता हालत को लेकर कई एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें से एक इंजीनियर अपनी जान भी गंवा चुका था। आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और आगामी 25 तारीख को 6,70,00,000 की लागत से इस सड़क के पुनर्निर्माण की घोषणा करते हुए अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सड़क के निर्माण के बाद हार्डवेयर से 22 सेक्टर की तरफ जाने वाली रोड का भी 5,00,00,000 से ज्यादा की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। मंत्री जी, अनशन स्थल पर पहुंचे हैं आप, अनशन तोड़वाया है, क्या कहना आप, कब तक बनेगी सड़क? अपने फरीदाबाद के समाज सेवी सभी साथी जन मित्रगण, बाबा राम के से उनके दो स्वामी जी धरने बैठे हुए थे और लंबी एक डिमांड थी कि सड़कें बनती है। ये सड़क गुड़गांव और फरीदाबाद को टच करती है और तीनों विधानसभाओं से निकलती है। एक तरफ बड़खल है, एक तरफ फरीदाबाद है, NIT की एंट्री करती है और इस सड़क का जल्दी 25 तक हम इसका चालू कर देंगे बनाने का। तो 25 तक इसके क्या है, अंचल समाप्त हो गया है और अंचल समाप्त करके कि ये सड़क जल्दी जल्दी, ये लोगों की बहुत जरूरत है और इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाने का। कितने लागत से करेंगे? 6,70,00,000 की लागत से सड़क है जो इसकी है और इसके बाद हम दूसरी सड़क हार्डवे से लेके शमशानगढ़ 22 तक फोर लाइन की रोड वो है जो 5,60,00,000 है। एक सड़क का पहले, उसका बाद में, दोनों सड़कों को जल्दी करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।